सफर तू हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन रोडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर ब्यूटीफुल प्लेस। राइट नाउ आई एम राइडिंग एट KKH। दिस प्लेस इज कंसीडर्ड द मीटिंग ऑफ थ्री माइटीस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। चलते हैं अपने सफर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। रेगुलर लोग इन जगहों से शायद गुजरते भी हों, बहुत सारे टूरिस्ट गुजरते भी हों, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट थ्री माउंटेन। जंक्शन ऑफ द वर्ल्ड थ्री हाईएस्ट माउंटेन, जो ये रेंज हैं, अब इसके बारे में चलते हैं। जो व्यू पॉइंट है ना, वो रहा व्यू पॉइंट। अब चलते हैं इसके व्यू पॉइंट की तरफ और फिर मैं आपको इसके व्यू पॉइंट की तरफ जाके फिर सारी डिटेल देता हूँ व्यू पॉइंट्स के बाद जाके। तो बेसिकली चलो भाई, हम पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट और मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ल्ड थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो हम अभी अब हो रहे हैं, माउंटेन भी नज़र आ रहे हैं आपको, और ये रहे वो सिंबल, वो सिग्नेचर वर्ल्ड थ्री हाईएस्ट माउंटेन का। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो सो यूवर सीन ये है कि जो वर्ल्ड थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंज के बारे में, जो मैंने अभी बोर्ड भी दिखाया आपको साथ साथ, तो ये थ्री माउंटेन की रेंज है। रेगुलर बेसिस पे लोग यहाँ से गुजरते भी होंगे, बहुत सारे टूरिस्ट कराची से आते जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोग स्किप करते हैं चीज़ों को। तो अब सिनेरियो ऐसा है कि इन थ्री माउंटेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। बेसिकली थ्री माउंटेन है, एक है कराकरम, एक है हिमालय और एक है हिंदूकश। अब ये तीन अलग अलग रीजन, ये तीन जो वो हैं पहाड़ हैं, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या किसे डिवाइड हुए हैं, हम उसको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ आपको। इस वक्त हम जो हैं वो हैं कराकरम पे। कराकरम जो जा रहा है वो जा रहा है यहाँ से चाइना तक, और ये चाइना तक ये पूरी गिलगित और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कराकरम के उसमें आता है। सेकेंड, अगर हम बात करें हिंदूकश की, तो हिंदूकश वाला हिस्सा जो है वो नारायण गगन वाला हिस्सा है, जो काफ़ी आगे तक जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, और कुछ लोगों को पता भी है तो वो एक्सप्लोर नहीं करते और साथ साथ लोगों को डिटेल नहीं देते। तीसरे की हम बात करेंगे हिमालय। हिमालय का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर है कश्मीर। तो तीसरा जो हिमालय है वो कश्मीर टू इंडिया तक जा रहा है। तो बस जो थोड़ी बहुत नॉलेज जो हमें पता थी इस बारे में, हमने बताई कि तीन जो माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय, हिंदूकश और कराकरम, तो उसके बारे में बस यही डिटेल है। तो जब भी आप गिलगित वाले रास्ते पर आओ, इस पॉइंट पर रुको, इस पॉइंट के व्यूज़ देखो, और साथ साथ इन्होंने इस जगह को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स भी बना के दिए आपको, ताकि आप उन पॉइंट्स के हिसाब से भी उन लोकेशंस को समझ सको। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वो आप देख रहे हैं वो वाला जो पॉइंट इन्होंने बनाया है वो हिंदूकश, उसको कराकरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर वाला जो पॉइंट है ये कश्मीर को, यानी कि हिमालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो लास्ट वाला पॉइंट जो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है आपको, जहाँ वो हमारे एक दोस्त भी आपको घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो तो वो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हिंदूकश यानी कि नारायण गगन वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीन ये है कि ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों को पता ही नहीं है, बस आ रहे हैं कश्मीर घूम रहे हैं, गिलगित घूम रहे हैं, जा रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या खूबसूरती है, क्या ब्यूटी है आपके मुल्क की। आपके मुल्क में इतना कुछ है कि अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं, मगर हम उस चीज़ को ना एक्सप्लोर करते हैं, ना डिस्कवर करते हैं, और ना अपने लोगों को बताते हैं। हमारी लाइफ सुबह से शाम, शाम से, और बहुत ज़्यादा जो होता है ना, हम तीर मारते हैं, वो क्या करते हैं कि हम टूर पे निकल जाते हैं। जैसे कि हम निकल तो हर जगह मिलेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा जो तीर मारते हैं क्या करते हैं, टूर पे निकल आते हैं, बट फिर भी हम अपने लिए घूमते हैं, चले जाते हैं, डिस्कवर नहीं करते चीज़ों को, बस सीधा कराकरम पकड़ा और सीधा गिलगित पहुंच गए, पंजाब पहुंच गए, और घर आके बोला भाई हम पाकिस्तान टूर से आ रहे हैं, बट नोबडी डिस्कवर दिस टाइप ऑफ प्लेसेस। तो भाई इस जगहों को भी डिस्कवर करो, बताओ लोगों को कि भाई आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, देखने के लिए, और दुनिया को रिप्रेजेंट करो कि आपके मुल्क में कितनी ज़्यादा नेमतें मौजूद हैं। तो आज का थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंज वाला व्लॉग जो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है गिलगित, वरना हम लेट हो जाएंगे गिलगित से हंजा, और उसके बाद फिर जो भी होगा सो टू भी कंटिन्यू रखेंगे। तो कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।
चलो बस नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये जो चोटियाँ हैं ये बहुत हैरान अंगेज और शाहाना है। तीन आलमी शौर्याफ्ता पहाड़ी सिलसिला हिमालय हिंदुकश कराकरम जैसे मैंने बताया आपको। नीचे की जानब चलते हैं जंक्शन की जानब थोड़ा सा, ताकि हम इसको और भी कुछ डिस्क्राइब कर सकें। जंक्शन ये है तो नीचे आओ ना, नीचे तो हो सकता है लिखा हुआ भी हो कहीं कुछ ना कुछ। चलो चलो चलो, पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, अगर जो ये जंक्शन बनाए हुए तीन आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, जो मैंने दिखाया आपको, इसमें तीन अलग अलग पहाड़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। उनकी जो चोटियाँ बनाई हैं उसके हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बना के ना यहाँ पे शेयर किया है। तो हम चलते हैं नीचे पॉइंट की जाने। अगर मैं बात करूँ कराकरम की, तो कराकरम एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान, चीन और भारत की सरहदों पर फैला हुआ है। ये दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू का घर भी है ये। और इसी के साथ साथ जो है ना हिमालय का टच है, अभी तीसरा पॉइंट में आपको दिखाता हूँ कि हिमालय का टच भी है। और अगर मैं हिमालय की बात करूँ तो हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कोई हिमालय का मगरबी हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है, जो अभी आप इस तरफ वाला देख रहे हैं। और इस पहाड़ी सिलसिले की जो बुलंद तरीन चोटी है ना नांगा पर्वत, सतह समुद्र से तकरीबन ये 8126 मीटर जो है वो बुलंद है और ये पाकिस्तान में वाक़ है। इस पहाड़ी सिलसिले में वादिया कश्मीर समेत दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन वादियाँ मौजूद हैं। तो जिस पॉइंट पर हम पहुँचे हैं ये हिंदूकश वाला पॉइंट है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिंदूकश की, तो हिंदूकश तकरीबन 1000 मील लंबा और 200 मील चौड़ा पहाड़ी निज़ाम है जो शुमाली मशरक और जनूब दोनों से तरफ से चलता हुआ आ रहा है। और ये अमूर दरिया और दरिया वादी और दरिया सिंध की वादी को तकसीम करता है। ये गिलगित करीबी सतह पेमरा से ईरान तक फैला हुआ है। हिंदूकश की रेंज बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए चलती है। इसकी ऊँचाई 23,000 फीट से ज़्यादा है और कई तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा इसकी चोटियाँ हैं। बर्फानी चोटियों के नीचे हिंदूकश के पहाड़ नंगे पथरीले और निबतात में गरीब से नज़र आते हैं, लेकिन ये बहुत ही बुलंद और बारा पहाड़ हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं अपने सफ़र की जानेब, वापसी का सफ़र करते हैं। ये जो आप अपने हिंदूकश देख लिया कराकरम, उसकी सारी डिटेल भी सुन ली, अब हम आगे की जानेब बढ़ रहे हैं। अपना इसी रोड से तकरीबन कुछ 5 से 6 किलोमीटर आगे जाके हमें स्कर्दू मोड़ भी मिलेगा जो गिलगित जाता है, और यही रोड आगे सीधा हमें लेके जाएगा गिलगित की जानेब। और उसके बाद फिर हम गिलगित से देखते हैं कि हमारा सफ़र कहाँ को जाता है। फ़िलहाल आज के लिए जो है वो व्लॉग आपका थ्री हाईएस्ट माउंटेन रेंज वाला यहीं पर हम इसका इख्तिताम करते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और कैमरा जो है वो संभाला नहीं जा रहा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।